एक रचना, पहली बात तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए सैफाली जी के लिए, बहुत सुंदर भजन रखा। एक रचना की फरमाइश माता पिता के ऊपर, बहुत सुंदर सी रचना सैफाली जी। और उसके बाद कानपुर के सुप्रसिद्ध भजन गायक, भजन सम्राट आदरणीय श्री सुनील स्नेही जी, बाबा के श्री चरणों में जिनकी कई कैसेटें मार्केट में भी हैं। हाँ हाँ, मुझको भी मालूम है भैया मेरे, लेकिन बोलने का समय तो है मेरे पास, इसलिए आइए एक रचना और सैफाली जी, बोलने के लिए कोई टैक्स नहीं है, आइए सैफाली जी। आज भोलू भैया हमारे बहुत सारे कलाकार लाए, आशीष जी सॉरी, एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे हमारे आशीष भैया के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। श्री श्याम आराधना म्यूजिकल ग्रुप, क्या बात है। हमें तुमसे प्यार कितना, आइए बाबा से बाद में ये बात करेंगे, पहले हमारे अंकल जी की फरमाइश है कि माँ बाप के लिए कोई बात होनी चाहिए। हाँ बता दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। रखिए, बोलिए सच्चे दरबार की। एक बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भजन है,
जो कि हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं, रोमी भैया, उनका ये भजन लिखा हुआ है। तो आइए, वो भजन दरबार में रख रही हूँ और कुछ बातें इसमें मैं बताऊंगी, आइए सुनिएगा। कहते हैं कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आंख रोना भी ना चाहे फिर भी रुला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आंख रोना भी ना चाहे फिर भी रुला देते हैं लोग, और चंद पैसों के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को घर से भगा देते हैं लोग। लेकिन सुनिए, एक बेटा माँ के दरबार जाता है और माँ से कहता है, माँ, एक बेटा माँ के दरबार जाता है, माँ से कहता है, माँ ये देख मैं तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर सी चुनरी लाया हूं, देसी घी के लड्डू लाया हूं, देसी घी का दीपक जला के लाया हूं, ए माता मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं अगली बार जब आऊंगा तो इससे भी सुंदर चुनरिया लाऊंगा। लेकिन जब वो घर से निकलता है, सेठी भैया बस मुश्किल से 2 मिनट, जब वो बेटा घर से निकलता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, अगर तुम्हारी सैलरी आ गई हो तो बेटा जरा मेरा चश्मा बनवा देना। वो बेटा अपने हाथ जेब में डालता है, जैसे ही जेब से पैसे निकालने लगता है सामने से उसकी पत्नी आ जाती है, पत्नी को देखकर बेटा खाली हाथ बाहर निकालता है और कहता है, माँ इस महीने की सैलरी तो पूरी खत्म हो गई है, ऐसा कर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अगले महीने चश्मा जरूर बनवा दूंगा। लेकिन सुनिए, जिस माँ ने उसे पाला है, इतना बड़ा किया है, वो बेटे अपनी माँ के साथ क्या करते हैं सुनना। और ये माँ उस बेटे को क्या समझा रही है, कह रही है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। थोड़ा समय मुझे बड़ी देर में मिला है, लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश है तो पूरी कर रही हूं, सुनिए। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, और ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, और ले जा माँ की दुआएं वही तेरे काम आएंगी, और दुनिया की दुआएं काम नहीं आएंगी। इसलिए सुनना और तालियों के साथ चलना और कहना, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं। जन्म देती बच्चों को माँ पा
पाती फिर जन्म देते बच्चों को माँ पालती। पहले 9 महीने पालती है, पैदा करती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। और बेटे पता है क्या करते हैं? बेटा कहता है माँ, भैया बहुत मीठा, बेटा कहता है माँ मैं कोचिंग जा रहा हूँ। माँ भी सोचती मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा। पिता भी दिन रात सेवा करता है, मेहनत करता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएगा। बेटा घर से बाहर निकलता है, माँ से कहता है माँ कोचिंग से आने में अगर देर हो जाए तो परेशान मत होना। माँ भी कहती बेटा आराम से जाना, घर जल्दी आना। अगले चौराहे पर बेटा पहुंचता है, माँ दरवाजा बंद करके अंदर आती है, बेटा हाथ जेब में डालता है, बढ़िया धीरू भाई अंबानी कान में लगा के हेलो। हाँ हेलो, कौन? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है, जरा एक मिनट छज्जे पे आ जाओ, है ना। और माँ सोच रही कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कोचिंग। कौन? कहने लगी क्या बोझ परसों तलक जो उठाती है माँ, बोझ परसों तलक जो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, हो जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, अपनी माँ को मना, अपनी माँ को मना, माँ ये मान जाएगी, अपनी माँ को मना, माँ ये मान जाएगी, अपनी माँ को मना। ये एक पिता की ओर से आया है और ये पुरस्कार नहीं कहूंगी, ये इनका आशीर्वाद है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो और यही कह दो अपनी माँ को मना माँ ये मान जाएगी, अपनी माँ को मना माँ ये मान जाएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा के दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां। अगर आनंद आ रहा हो तो एक बार जो जो अपने माता और पिता से प्यार करते हैं दोनों हाथ उठाना अपने माँ बाप के लिए, जो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं उठाना दोनों हाथ और लगा के ताली कहना, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, 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 हो श्याम कानपुर